SQL and what type of the questions that we can encounter. In yesterday's video, I have told you कि आपके पास कुछ tables दिए होंगे, आपको उसकी query बनानी है. The second format is कि आपको query दी हुई हो, आपको table में से output find out करना है. तो आज मैं उसी में focus करने लगी हूँ कि आपको table दिए हुए हैं, एक table हो सकते हैं, दो table हो सकते हैं, और उस पे based कुछ query दी हुई है, आपको उसका output find out करना है. तो let's take the question. मेरे पास एक टेबल है कैब हब. कैब हब में मेरे पास जो कॉलम है दैट इज वी कोड, मतलब व्हीकल का कोड, व्हीकल का नेम, मेकर कौन है, कौन सी कंपनी ने बनाया है, कलर, उसमें कैपेसिटी मतलब कितने नंबर ऑफ द पर्सन आ सकते हैं, और चार्जेस क्या ले रहे हैं. जो कैब हम बुक करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, उसके रिगार्डिंग टेबल बना हुआ है जिसमें हमारे पास कोड दिए हुए हैं, व्हीकल का नेम बताया हुआ है, मेकर बताया हुआ है कौन है, कलर है, कैपेसिटी है और चार्ज. दूसरा टेबल हमें दिया हुआ है कस्टमर का. कस्टमर में हमारे पास कस्टमर का कोड है, कस्टमर का नेम है और व्हीकल कोड कि कौन सा व्हीकल उसने यूज किया हुआ है. अब इन दोनों टेबल पे बेस्ड हमें कुछ क्वेरीज दी हुई है. फर्स्ट क्वेरी हमें सिलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट मेकर फ्रॉम कैब हब. टेबल कौन सा यूज करना है, कैब हब वाला यूज करना है. क्या करना है, काउंट फंक्शन मैथमेटिकल. काउंट क्या करना है, डिस्टिंक्ट मेकर. डिस्टिंक्ट क्लॉज कहां पे लगता है, जहां पे आपको रेपिटेटिव वैल्यूज को यूज नहीं करना, उस केस में हम क्या क्लॉज यूज करते हैं, डिस्टिंक्ट. अब ये डिस्टिंक्ट क्लॉज होने किस केस में कहा है, मेकर के केस में, मतलब यहां पे हम रेपिटेटिव वैल्यूज यूज नहीं करेंगे. पहले हम चेक कर लेते हैं कुछ रिपीट हो रहा है कि नहीं. टोयोटा तो एक बार ही है, सुजुकी हमारे पास दो बार आ रहा है, दैट मींस इसको हमें इलिमिनेट करना पड़ेगा. मर्सिडीज भी एक बार और टाटा भी एक बार है. तो सिलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट मेकर फ्रॉम कैब. ये जो मेकर्स हैं, डिस्टिंक्ट मेकर को हमें काउंट आउट करना है. तो टोयोटा वन हो गया, सुजुकी टू हो गया, मर्सिडीज तीन हो गए, सुजुकी दोबारा रिपीट हो रहा है, हम नहीं करेंगे टोयोटा नेक्स्ट टाटा, वो क्या हो गया, चार. तो हमारे पास डिस्टिंक्ट मेकर कितने हैं, चार हैं हमारे पास, वन टू थ्री और फोर. तो इसका काउंट उन्होंने मांगा है, सिलेक्ट काउंट. तो काउंट में मेरे पास क्या गया, चार काउंट हो गए. तो आपका आंसर क्या होगा, फर्स्ट का इट विल बी फोर. ओके, क्लियर हुआ कि हमने डिस्टिंक्ट मेकर, जो भी कॉलम आपको कहा है उस कॉलम में से डिस्टिंक्ट वैल्यूज फाइंड आउट करना. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है सिलेक्ट मैक्स चार्जेस. मैक्सिमम चार्ज सबसे ज्यादा चार्ज, मिनिमम चार्ज सबसे कम चार्ज फ्रॉम कैब हब. दोबारा इसी टेबल की बात हो रही है, इसी टेबल में जहां पे चार्जेस दिए हुए हैं वहां पे मैक्सिमम चार्ज कितना है और मिनिमम चार्ज कितना है वो आपको देख के बताना है. अब हम डायरेक्टली किस फील्ड पे आ जाएंगे, चार्जेस वाले पे. चार्जेस वाले फील्ड पे हमारे पास जो चार्जेस दिए हुए हैं दैट इज 50 रुपीज, 40 रुपीज, 35 रुपीज, 40 रुपीज, 12 रुपीज. हमें दो चीजें फाइंड आउट करने को कहा है, एक मैक्सिमम और एक मिनिमम. तो इसमें से मैक्सिमम क्या है देख के बता सकते हैं हम, 35. तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, मैक्सिमम चार्ज में 35 और दूसरा मिनिमम चार्ज सबसे कम अमाउंट किसके लिए चार्ज किया, कौन सा किया जा रहा है, 12. तो हमारा आंसर क्या है, 35 और 12. क्लियर. नेक्स्ट सिलेक्ट काउंट. काउंट करने को है मेक फ्रॉम कैब हब. कैब हब टेबल में से काउंट, आपको पता है जब हम ये मैथमेटिकल फंक्शन यूज करते हैं काउंट, तो काउंट फंक्शन के साथ आपको फील्ड का नेम भी तो देंगे कि काउंट करना क्या है. अगर फील्ड का नहीं नेम दिया तो वैल्यूज देंगे कि क्या काउंट करना है, बट यहाँ पे तो उन्होंने एस्टिक लगा दिया, दैट मींस हमारे पास कोई फील्ड नेम ही नहीं है, हमें तो कुछ स्पेसिफिक ही नहीं कर रहे, काउंट करें क्या, किसको काउंट करेंगे. तो ये जो क्वेरी है दैट इज इनवैलिड. यहाँ पे जो ये फॉर्मेट दिया हुआ है हमें, ये पॉसिबल नहीं है. तो इसका रिस्पॉन्स क्या जाएगा, इनवैलिड क्वेरी. ये फर्स्ट आंसर था. थर्ड आंसर हमारे पास क्या था, इनवैलिड क्वेरी. इसकी जगह पे अगर ये काउंट में बता देते, फील्ड बता देते, मान लो हम लिख देते व्हीकल नेम, तो मेकर टोयोटा, व्हीकल इनोवा उसका एक ही आया है, सुजुकी का SX4 एक ही, यहाँ पे
रिपीट नहीं हो रहे, मगर अगर ऐसा होता कि कोई मेकर का जो वीकर नेम है वो रिपीट हो रहा है तो वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे जो हमारी क्वेरी दैट इज इनवैलिड। नेक्स्ट है आपके पास सिलेक्ट व्हीकल नेम। व्हीकल नेम हमें सिलेक्ट करना है फ्रॉम कैब हब। कैब हब टेबल से वेयर कैपेसिटी इक्वल्स टू 4। हमारे पास कैपेसिटी दी हुई है सभी की, जो इनोवा है उसकी 7 है, SX4 की कैपेसिटी 4 है, C क्लास की कैपेसिटी 4 है, A स्टार की कैपेसिटी 3 है, इंडिगो की कैपेसिटी 3 है। तो आपको क्वेरी में पूछा गया है कि आपको वो वाले व्हीकल नेम बताने हैं जिसकी कैपेसिटी 4 हो। तो मेरे पास दो व्हीकल है SX4 और C क्लास, तो आउटपुट मेरे पास क्या आ जाएगा SX4 और C क्लास, ये मेरे पास दो आउटपुट आ गया। सो अभी हमने जो क्वेरी की उसमें हमारे पास सिर्फ एक ही टेबल यूज हुआ कैब है, ठीक है। उसमें बेस्ड आपको जो जो चीजें कही थी वो हमने फाइंड आउट कर ली। ऐसा भी हो सकता है कि हम दोनों टेबल को यूज करके कुछ क्वेरीज दें जिसमें हम जनरली जॉइन यूज करते हैं। आप देख रहे होंगे कि ये जो टेबल है इसमें कस्टमर वाले टेबल में कैब हब टेबल की जो प्राइमरी की है वो यूज की हुई है। वो कैसे यूज हो रही है, एज अ फॉरेन की। तो हम चाहे तो दोनों टेबल को ज्वाइन करके इनकी भी क्वेरी बना के इन्हें भी कर सकते हैं। दैट्स इट, थैंक यू। आउटपुट